नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा फिजिक्स का छूटा हुआ था घटना चक्र का पॉइंटर, तो उसको आज हम शुरू करते हैं और एक एक चैप्टर में इसको छोटे से वीडियो बनाएंगे जो कि ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे कि आपको बार बार देखने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप रिविज़न भी अच्छे से कर सकें। और वीडियो के एंड में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं, वो मैं वीडियो के एंड में कराऊंगा उनको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखिए जिससे कि आपको कुछ और ना पढ़ना पड़े। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं, इन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड बटन है उसको प्रेस कर दें जिससे कि आप हम लोगों तक जुड़ सकें और नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए इसमें पहला चैप्टर देखते हैं, भौतिक विज्ञान में मात्रक एवं इकाइयों से शुरुआत करते हैं। ये जितने भी हैं क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो देखिए पहला है इसमें, देखिए शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट होता है, और बल का मात्रक सब जानते हैं न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बार बार यही पूछे जाते हैं। और अगला है इसमें चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टेंस होती है, उसकी इकाई क्या है, तो ओम मीटर है उसकी इकाई, क्या है, ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो दूरी की इकाई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो वह दूरी जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, यानी प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलता है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक है। पहली बात क्वेश्चन यही है कि पारसेक दूरी का मापक है, ठीक है ना, दूरियों को मापता है, लेकिन बड़ी दूरियों को, जो कि जैसे दिया है कि तारों के बीच की दूरियां मापनी हो तो किसके द्वारा मापी जाती हैं, पारसेक के द्वारा। अब ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो ये 3.25 यानी 3.25 प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है। तो ये पारसेक किसका मात्रक है, तो अभी बता दिया दूरी का मात्रक है, दोनों ये प्रकाश वर्ष भी है और पारसेक भी दूरी के मात्रक हैं। अब ये देखिए एक माप की इकाई है, इसमें अगर 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो किसमें, सेंटीमीटर में अगर गुणा करेंगे तो हमें इंच प्राप्त हो जाएगा 0.39 से। अगला देखते हैं 6 फिट, ये IAS का क्वेश्चन है ना, तो बहुत पहले पूछा गया था, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। अगला देखिए 6 फिट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी, तो कैसे कितनी होगी, तो 183 × 10⁷ नैनोमीटर ये इसकी लंबाई ऊंचाई होगी, ठीक है ना। अगला एक नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर, याद रखिएगा। एम्पियर की इकाई, एम्पियर किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, जो कौन सी बिजली मापती है, जो कि उत्पादित होती है उस बिजली को ये मापा जाता है मेगावाट में। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन सही सुमेलित करना है भौतिक राशियां, त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का है न्यूटन, और कार्य का है जूल, आवेग का है न्यूटन सेकेंड, द्रव्यमान का है किलोग्राम, दाब का है पास्कल, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है ये सारे। और आगे देखते हैं इनमें भी मैचिंग के लिए है, वॉट किसका है, तो शक्ति का है, नॉट किसका है, तो नॉट समुद्री जहाज की गति मापने का है, इसमें मोस्टली कन्फ्यूजन होता है नॉट और नॉटिकल माइल में, ठीक है ना। तो नॉट किसकी है, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए, और नॉटिकल मील होती है नौ संचालन में प्रयुक्त जो दूरी की इकाई है, ये क्या है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है नॉटिकल माइल। और कैलोरी सब जानते हैं कि ऊष्मा का इकाई है, ये मात्रक है। जूल बता दिया कई बार, कार्य का है एम्पियर, धारा का है वाट, सामर्थ्य शक्ति का है बोल्ट, विभांतर का है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसमें, आगे हैं नॉट, ये फिर पूछा गया है, तो जहाज के चाल की माप होती है एंगस्ट्रॉन्ग, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉन्ग, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, ऊपर भी चर्चा की जा चुकी है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, महत्वपूर्ण है। उच्च वेग किस में मापा जाता है, तो मैक में, आप जितने भी रॉकेट हैं जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं इनकी गति मैक में मापी जाती है, ठीक है ना। तो तरंग दैर्ध्य देखते हैं किसकी है, तरंग दैर्ध्य का है एंगस्ट्रॉन्ग, ऊर्जा का है जूल, तो ये तो बता दिए, जूल उसी ऊर्जा, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे, दाब से या दबाव से, ठीक है ना। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1/1000 मिली
मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन क्या प्रदर्शित करता है, तो 10^-4 सेंटीमीटर की लंबाई को प्रदर्शित करता है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये ध्वनि मापी जाती है इसमें। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है ये, और सेल्सियस ताप मापने की इकाई है, सेल्सियस सब जानते हैं। कैलोरी किलो कैलोरी और किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है, नहीं है, तो इसमें वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी सारी हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, सब जानते हैं। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10^-12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। पारिस्थितिकीय दबाव की इकाई क्या है, तो इसकी बार है इकाई, याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको किस में मापा जाता है, उसकी इकाई क्या होती है, बार। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर² दाब समतुल्य होता है 1 बार के। और तेल का 1 बैरल कितने के बराबर होता है, लगभग 159 लीटर के बराबर होता है 1 बैरल। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, न्यूनतम पूछी गई लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर, ये नैनोमीटर से भी छोटी होती है, क्या है, फर्मी मीटर। आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में प्रवाह की दर मापी जाती है, जो जल प्रवाह होता है उसकी दर मापी जाती है क्यूसेक में। बाइट क्या है, तो ये कंप्यूटर की इकाई है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यूज होती है, बार दाब को मापती है, ठीक है ना। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव, ऊपर भी बात कर चुके हैं। इनमें से देखिए, इनमें पूछा है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो डॉप्सन यूनिट होती है ओजोन परत की इकाई मापने के लिए, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, तो आगे है इसमें, अब देखिए ये अगला चैप्टर है, मापक और यंत्र एवं पैमाने देखते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं इसी से संबंधित। तो देखिए ये वहाँ नहीं है, ये एक बार में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लंबाई की क्या होती है, तो मीटर, और द्रव्यमान किस में मापा जाता है, SI के मूल मात्रा के हैं, तो ये किलोग्राम में। समय का सेकंड है, ताप का केल्विन में बात हो चुकी है इसकी। अब विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, और ज्योति तीव्रता जो होती है उसको, उसकी इकाई क्या है SI मात्रक में, तो कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण किस में मापा जाता है, मोल में। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियन, ये किसकी है, ये समतल कोण मापने की इकाई होती है। धन कोण मापने की इकाई किस में होती है, इस्टे रेडियन, तो याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं, देखिए पार्शिक की हम बात कर रहे थे, तो पार्शिक को देख लेते हैं। अब पार्शिक का मतलब दूरी मापने की इकाई है, लेकिन वो दूरियां जो कि बहुत ही लंबी होती हैं, जैसे खगोलीय दूरी मापनी हो किसी दो तारों के बीच की दूरी या दो पिंडों के बीच की दूरी, तो वो पार्शिक के द्वारा मापी जाती है। अब एक पार्शिक जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है, तो 3×10^16 मीटर के बराबर होता है एक पार्शिक। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 9.46×10^15, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, दोनों पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने एक पार्शिक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, जो बराबर होता है किसके एक पार्शिक, तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो आगे बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10^-6, और एक नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर के बराबर होता है, और एक फर्मी मीटर किसके बराबर होता है, 10^-15 मीटर। तो सबसे छोटी इकाई दूरी मापने की कौन सी है, ये फर्मी मीटर, ठीक है ना। तो ये नैनोमीटर से बहुत छोटी है, देखिए नैनोमीटर का कितना है, 10^-9 है, और इसका 10^-15 है। तो ये आज के वीडियो में हो गया, अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे, तो मिस मत करिएगा, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी की भी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, जो पॉइंटर अब जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जो अपना पढ़ चुके हैं, अब वो क्या करें कि जो भी पॉइंटर हैं उनको जल्दी से रिवीजन कर लें, और जो घटनाचक्र जिन्होंने मोटी वाली पढ़ ली है, तो उनका अब रिवीजन आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि उतना ही पर्याप्त समय बचा है, उसमें वही काम हो पाएगा, तो बेस्ट तरीके से वहाँ से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके इसका। तो थैंक यू सो मच।